Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना पचाओ। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। एक तरफ बीजेपी यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने की तैयारी में है, तो वहीं अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ मिलकर खेल बदलने की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बीजेपी को कम से कम सीटों पर सीमित किया जाए। लेकिन छठे फेज के मतदान की बात करें तो इस चरण में सबकी नजर आजमगढ़ सीट पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव के लिए ये सीट सपा की खोई साख वापस लाने का जरिया है, तो वहीं बीजेपी ये सीट जीतकर अखिलेश यादव पर मानसिक जीत दर्ज करना चाहती है। अखिलेश ने यहां से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से यहां एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया गया है। लेकिन मतदान से ठीक पहले सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, नमस्कार आजमगढ़ वासियों, आज का दिन 25 मई का दिन ऐतिहासिक है। आज मतदान का दिन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का दिन है, बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने का दिन है। सभी से अपील है, बढ़ चढ़ कर मतदान करें और बाबा साहब के संविधान को बचाएं। श्रद्धेय नेताजी अमर रहे। वहीं अपने इस वीडियो में धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। नमस्कार आजमगढ़ वासियों, आज का दिन ये 25 मई का दिन ऐतिहासिक है। आज मतदान का दिन, आज देश के लोकतंत्र को बचाने का दिन है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने का दिन है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल कर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के तौर पे जो चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर मैं आप सभी का उम्मीदवार हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दें, बहुत बहुत। अब चलिए आपको आजमगढ़ सीट का समीकरण बताते हैं और ये भी बताते हैं कि क्यों ये सीट चर्चा में है। दरअसल आजमगढ़ में अनुसूचित जाति ओबीसी और मुसलमान तीनों ही समुदाय 17 से 20% के आसपास है। राजनीति के लिहाज से यादव जाति के लोगों का प्रभुत्व रहा है। यहाँ पर 14 बार यादव जाति के सांसद चुने गए। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो आजमगढ़ संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर। यहाँ से बीजेपी के खाते में एक भी विधानसभा सीट नहीं है। कह सकते हैं कि ग्राउंड पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, लोकल मुद्दों को लेकर जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन चुनाव में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कोई नहीं जानता। अब इस सीट पर किसकी जीत होगी ये 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।